ठीक है ना, एक ये है, एक वो है, एक वो है, तीन है। सरदार तेजा सिंह साहब रिटायर्ड सब इंजीनियर साकन क्लास वाला। देखो इसका सारा हिस्सा ही गिर गया, सिर्फ इसकी दो दीवारें रह गई। ये देखो जी एक मंदिर, मैं आपको जरा करीब जाके दिखाता हूँ, ये देखिएगा। ले जी दोस्तों, ये कुछ समाध नजर आई है हमें, देखते हैं 1947 से पहले की बनी हुई है, और ये भी बताते हैं ये कहाँ पे मौजूद है। पहले हम आपको ये समाध दिखा दें, छोटी सी वीडियो, इसको आपने छोड़ना नहीं है। ये देखें छोटी ईंटें जो पतासा ईंटें है ना, उनसे बनी हुई है, बहुत बुरी हालत है, टूट फूट का शिकार ना जी। दरवाजे देखें इसके, सारे जो ना ईंटें गिर रही हैं। एक समाध ये है जी, ये भी क्लास वाला के बिल्कुल पास है, थोड़ी बाहर है, ये सेपरेट है। इसके ऊपर देखते हैं किसी का नाम लिखा हो, क्योंकि वो एक प्लेट नजर आ रही है। ये जनाब उर्दू जुबान में लिखा है, यादगार यानी यादगार सरदार तेजा सिंह साहब रिटायर्ड सब इंजीनियर साकन क्लास वाला। तमीर करता सुतनी सरदारनी बाल कौर साहिबा, यानी क्या उन्होंने शायद मिसी सी या बेटी सी, पर उन्होंने इन्हों की तमीर करवाई है यादगार। पैदाइश उन्होंने 28/6/1881 ते वफात 13/3/1940। 1947 तो पहले जनाब सरदार जी जिन्होंने दुनिया से टुर गए सन, तो यह उन्होंने जी समाध इतने मौजूद हैगी है, ठीक है ना। देखो यह भी जनाब अपने दौर दी आलीशान समाध, लेकिन हुन ये भी आखिरी समा ले रही है जी। देखो सरदार तेजा सिंह साहब रिटायर्ड सब इंजीनियर, क्योंकि सानू दसिया ना कि क्लास वाले बड़े अमीर लोग रहिंदे सन, ठीक है ना। यह उन्होंने यादगार तुम दिखाई जा रही जो आहिस्ता आहिस्ता मिट रही। ये देखे जनाब अपने दौर की आलीशान समाध है ये, ठीक है ना। एक ये है, एक वो है, एक वो है, तीन है। यहाँ पे दो और थी, पांच थी, वो गिर चुकी हैं, ठीक है ना। खोतियां इतने पईया फिर दिया ने। ये देखें ये जनाब 1947 के मिटती हुई निशानियां। दोस्तों ये चीजें ऐसी हैं कि अगर हम संभालना चाहते संभाल सकते थे, एक याद के तौर पे बुजुर्गों की यादें, लेकिन नहीं संभाल सके, तोड़ दिता सारा कुछ है जी। ये देखें इसका सारा हिस्सा ही गिर गया, सिर्फ इसकी दो दीवारें रह गई हैं जी। ये देखिए आप इसकी ईंटें, ये सारा कुछ यहां से टूट चुका है। ये देखे जनाब हाँ जी, यादा 1947 दी हैं। ये आपको मुकम्मल इसका मैं यहां से व्यू दिखाता हूँ, ये देखिएगा तीनों एक फ्रेम में, ठीक है ना, तीनों समाध एक फ्रेम में नजर आ रही हैं। ये कस्बा क्लास वाला है, जिला इसका सियालकोट, तहसील इसकी पसरूर, ठीक है ना। ये देखें ये क्लास वाला जो है ना, ये अमीर तरीन सिखों का गांव था 1947 से पहले, जो भारतीय पंजाब के सियासतदान हैं प्रताप सिंह बाजवा साहब, ये उनके बुजुर्गों का गांव है, ठीक है ना। वो यहाँ पे ठीक ठाक या चौधरी किस्म के आदमी थे, बल्कि उनके जो बुजुर्ग थे वो मजिस्ट्रेट, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, और जो तमाम सरकारी होते थे अंग्रेज दौर में उन्हीं के पास थे। वो खुद भी उनकी फैमिली के मेंबर यहाँ चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन इस वीडियो का मकसद यह है कि इससे पहले ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाए, जल्दी जल्दी इसको जो है ना कैमरे की आँख में महफूज कर लिया जाए। ये देखें
ये देखो जी एक मंदिर, मैं आपको जरा करीब जाके दिखाता हूँ, ये देखिएगा। ये मंदिर आपने देखना है कि कौन सा मंदिर है ये, और इसके साथ ये छोटा सा एक हॉल भी बना हुआ है, ठीक है ना। और इस हॉल के साथ ये बना हुआ है सरोवर, मंदिर, एक हॉल और इसका अहाता। और ये बहुत पुराना 1947 से पहले वाला सरोवर, तालाब, शनान यहाँ पे करते थे, अपनी मजहबी रसूमात अदा करते थे गैर मुस्लिम। और ये देखे ना पुरानी बाकियात, और इसी सरोवर के साथ ये गुरुद्वारा साहब था, यहाँ गुरुद्वारा था। ये बिल्डिंग ओरिजिनल है लेकिन अब बच्चियों का स्कूल बन चुका है। ये जो आपको खिड़कियाँ रोशनदान नज़र आ रही है ना, ये गुरुद्वारा की असली इमारत है। गुरुद्वारा साहब, सरोवर और इसके साथ ये तारीखी मंदिर आज भी अपनी असली हालत में मौजूद। और ये जनाब वाकया है कलास वाला, तहसील पसरूर, ज़िला सियालकोट। कलास वाला एक अमीर तरीन हिंदू और सिखों का कस्बा था, जिसकी आज कोई ज़्यादा अच्छी हालत नहीं है, डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो सकी। और जब मैं यहाँ वीडियो बनाने आया तो बड़ा दुख हुआ कि जो 1947 से पहले ये रईस लोगों का शहर था, आज यहाँ तरक्की नहीं हुई। ये तो छोटी सी वीडियो, औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।